वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम लोग बात कर रहे हैं वेट लॉस प्रोग्राम पे, क्योंकि फरहाना मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और हमारा 2 महीने से वेट लॉस का एक प्रोग्राम है जो चल रहा है। और अब हम थोड़े से ज़्यादा इंटेंस प्रोग्राम की तरफ आ रहे हैं। BMI पूछा था उन्होंने, हमारे साथ एक कॉल मौजूद है, वो अटेंड करके हम इनके BMI का जो प्रॉब्लम है वो उसे सॉर्ट आउट करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आज तो मुझे लगता है किसी कॉल की आवाज़ नहीं आने वाली। हम BMI पे आते हैं। ओके, BMI मींस बॉडी मास इंडेक्स। आपको पता होना चाहिए कि मेरा BMI क्या है। उसके लिए आपको ये होता है, 3 चीज़ों को हम लोग कंसीडर करते हैं। एक तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कितनी हैं, जैसे आप अगर हाउसवाइफ हैं या आप एक ऑफिस गोइंग गर्ल हैं या मर्द हैं या खातून हैं, या आप एक स्पोर्ट्स मैन हैं, या आप कितनी फिजिकल एक्टिविटी है, आप कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं दिन में पर, ठीक है, पर डे। अच्छा, दूसरी बात ये आपकी हाइट और आपकी जो है आपका जो आपकी हाइट और आपका वेट, उसके हिसाब से हम लोग बताते हैं कि आपका BMI निकालते हैं। बिल्कुल, उसका रेशियो निकालते हैं और उस पर बताते हैं कि आपका BMI कितना होना चाहिए। सबसे पहले आपको आपकी हाइट और आपकी एज पता होना चाहिए। तो जैसे इन साहब ने फ़ोन करके बताया है कि इनकी जो हाइट है वो 5'9" है और इनकी जो वेट है वो 85 है। तो उसके हिसाब से इनका जो BMI बनेगा वो बनेगा 27। उसमें ये होता है कि 27। अच्छा, BMI में ये होता है कि मैं बता दूँ, इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होता है कि अगर आपका जो है वो BMI 18 है तो वो अंडर वेट कहलाते हैं, ठीक है। और अगर 18-25 आपका BMI आ रहा है तो वो नॉर्मल आपका है। और अगर आपका 25-30 है तो फिर आप ओवरवेट में आ जाते हैं, और फिर आप 30-35 है तो ओबेसिटी की क्लास में आ जाते हैं, क्लास 1, देन 35-40 क्लास 2, देन फिर क्लास 3, विच इज द वर्स्ट कंडीशन। ओबेसिटी बिल्कुल होते हैं, बहुत होते हैं लोग, बहुत ज्यादा होते हैं। आप YouTube पर सर्च करें किस किस तरीके से लोग केसेस आते हैं। कोई कुशिंग सिंड्रोम टाइप कोई डिजीज होगा उनको, वरना तो फिर नहीं, ओबेसिटी है कि खुद एक डिजीज इतनी बड़ी, एकदम मोटापा है। इससे ज्यादा कॉल है मेरे पास फराना, वो टेन कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हां जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन है, कौन बात कर रहा है? अब्दुल वहाब मिर्ज़ा बात कर रहा हूं। आपकी आवाज थोड़ी सी कम आ रही, दोबारा बताइएगा। हेलो, अब्दुल वहाब मिर्ज़ा बात कर रहा हूं। जी वहाब साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कहां से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है और माशाल्लाह से आपके साथ फराना बैठी हैं। जी जी, बहुत अच्छे से गाइड कर रही हैं। तो मुझे असल में ये पूछना है कि जाहिर बात है वो सारा दिन बैठने का काम है तो पेट थोड़ा सा पर्सनैलिटी होती है ना, नैलिटी खराब हो चुकी, पेट थोड़ा सा बाहर आ चुका है। कितना थोड़ा सा भाप सब? ये मेरी वेस्ट हो गई 36। 36 हो गई? अरे वो तो थोड़ा सा ही है, ठीक है। नहीं थोड़ा सा ही है लेकिन बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि ठीक है। आप आपका वेट कितना है? मेरा वेट है 65। और हाइट? आप आवाज क्रैक कर रहे हैं बाप साहब, क्या कह रहे हैं? 5'9" 65। अल्लाह, ये तो बहुत अच्छा है। ये तो बहुत जबरदस्त किस्म का आपका वेट है। चलिए, थोड़ा सा जो पेट बाहर निकला है उसके ऊपर आपको बॉडी थोड़ा सा जरा वो जो नहीं होते जो लूज मसल्स हो जाते हैं, बिल्कुल वरना तो क्रंचेस करें ज्यादा ज्यादा। आदमी तो बड़े आसानी के साथ क्रंचेस करते हैं, और इसके अलावा वॉक करें, एब्डोमिनल पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करें। इसके जितनी भी मैं टेक्निक्स वगैरह बताती हूँ उसको फॉलो करें, सिंपल से। हाँ जी, मसला ही नहीं, टोन हो जाता है आपका जो एब्डोमिनल है ना, वो जो आपके जो मसल्स जो लूज हो जाते हैं वो आपके टोन होना शुरू होता है। ओवरऑल बहुत लीन या परफेक्ट होंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे हल्के सी फ्लैबी हो जाता है, ठीक है। वो जाहिर सी बात है इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगता, तो क्रंच करना इज द बेस्ट थिंग। क्रंच तो बेस्ट है, बेस्ट है। एक और कॉलेज ही अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मिसेस नदीम बात कर रही हूँ। मिसेस नदीम कहाँ से? कराची से बात कर रही हैं। जी जी, क्या कहना चाह रही हैं? जी मैं ये पूछना चाह रही थी डॉक्टर साहब से कि मेरा जो है ना यूट्रस का ऑपरेशन हुआ है, मेरा जो लोअर बॉडी है वो बहुत ज्यादा उसके बाद जो है ना फैल गए। जी हाँ जी बिल्कुल। तो अभी 4-5 मंथ हुए टोटली इसको, तो मैं एक्सरसाइज अगर स्टार्ट करना चाहूँ या कौन सी वाली कर सकती हूँ? आपका यूट्रस का ऑपरेशन क्यों हुआ? जी उसमें रसौली थी। रसौली थी, ओके। अब स्टिचेस वगैरह तो सब हील हो गए हैं, सब कुछ ठीक है? जी जी, अभी 5 मंथ हो गए। दर्द तो नहीं है वहाँ पे स्टिचेस की जगह पे? नहीं जी, वैसे तो नहीं है जी।
बस फिर हम आपको बता देते हैं, ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉल। देखिए सर्जरी कई तरह की होती है, अब इन्होंने जिस तरह से उनको बताया तो ये सबसे पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछें कि मैं इस टाइप की एक्सरसाइज करना चाहती हूँ, मेरे लिए क्या बेस्ट रहेगा, आया मैं एरोबिक्स की तरफ जाऊँ, आया मैं जिम का ऑप्शन लूँ, आया मैं जो है वो योगा की तरफ जाऊँ। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मसल्स का बहुत प्रॉब्लम होता है, उनकी जो जॉइंट्स में बहुत दर्द होता है और मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाते हैं, तो वो उसके लिए उनको डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं आप योगा की तरफ जाएं। बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनमें इतना स्टैमिना या इंटेंसिटी नहीं होती है, तो उसके लिए हम रिकमेंड करते हैं आप जिम की तरफ जाएं, आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी को वार्म अप करें ताकि बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आए, स्टैमिना आए। उसके बाद अब आपके पास दो चॉइसेस हैं, आया आपने अब एरोबिक्स करना है या योगा करना है, फिर हम डिसाइड करते हैं। अब ये अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपनी सिचुएशन को देखते हुए ये पहले वॉक करते हुए, डाइट को कंट्रोल करते हुए, जिम से होते हुए फिर ये एरोबिक्स की तरफ आए, तो थोड़ी सी जरा बॉडी इनकी एक्टिव हो जाएगी। अच्छा चलिए ठीक है। अच्छा बहुत ज्यादा बातें करने को हैं बट क्या करें, टाइम लफड़ाने करी और मैं पेपर निकाल के बैठी हूँ ये। चले जी हम इस पेपर पे भी जी अगली बार बात करेंगे, वो BMI का पेपर निकाल के बैठी और डाइट प्लान भी बताना था उन्होंने, लेकिन चले अभी तो उनकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीक आप देखें, फिर हम डेफिनेटली इनके ऊपर भी बात करते रहेंगे। फरहाना थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। यहाँ पे आपको बताते चलो आप हमें ईमेल कर सकते हैं healthymorning@health-tv.tv और फेसबुक पे जो हमारा पेज है www.facebook.com/healthytv, यहाँ पे भी आप हमसे बात कर सकते हैं। हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफ़ा का जो पेज है वहाँ पे मैं आपसे डायरेक्टली बात करती हूँ। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे पूरा हफ्ता, अपना ये जो वीकेंड आ रहा है ना, वीकेंड में ही नहीं कि बस छोड़ दिया, वीकेंड है आज तो कोई अच्छी हेल्दी बातें बताने वाला नहीं है, नहीं जी हेल्थी भी आता रहेगा, आप देखते रहेंगे और अच्छी अच्छी बातें सीखते रहेंगे। एकदम डाइट भी नहीं छोड़ दीजिएगा कि भाई डाइट भी आपने छोड़ दी और सारे वीकेंड के मज़े लेने लगे और हर तरह का खाना खाने लगे, ऐसा भी नहीं कीजिएगा। मंडे को हम फिर वापस आएंगे, चेक करेंगे आपने अपना कितना ख्याल रखा, बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।